जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज का एपिसोड 4। बच्चों आज फिर हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड। तो चलते हैं हम लोग आज का पहला नंबर सवाल देखने के लिए। ठीक है, पीछे हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड। आज हम लोग 31वां क्वेश्चन से लेके आगे 10 करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से है ना दौड़ना प्रारंभ करता है ना। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे एवं 5 घंटे है ना समय लगता है। ठीक है बच्चों, है ना, कोई धावक है एक वृत्ताकार पथ पर है ना चल एक ही साथ चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तो एक चक्कर लगाने में उसको जो है एक को 1 घंटा लगता है, दूसरे को 3 घंटा और तीसरे को 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो कह रहा है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। बच्चों हम लोग को इस तरह का जब भी सवाल आए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लॉस। यहाँ पे आप जो है ना 1, 3 और 5 का लॉस निकालेगा, तो इसका लॉस निकालेगा तो 5 या 15 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 15 घंटा। डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 15 घंटा। समझ में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 32 नंबर है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए है ना a, b का मौसा गुने है ना a, b का लॉसा होगा। कहने का मतलब ये बच्चों कि हमको यहाँ ये पूछ रहा है कि संख्या a और b का लॉसा और a और b का मौसा का गुणनफल क्या होगा। बच्चों हम लोग जानते हैं किसी भी दो संख्या के लॉसा और मौसा गुणनफल जो होता है वो हमेशा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये चीज़ मालूम है, इसीलिए संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पे संख्या a और b है तो इसीलिए a गुणे b आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखने के लिए। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। बच्चों 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 64 का गुणनखंड कर लेंगे हम है ना, 64 का गुणनखंड कर लेंगे इसे है ना, है ना। 2 से लगेगा 2 दिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 एक 2, 2 6 12, फिर 2 से लगेगा 2 8 16, फिर 2 से लगेगा है ना 2 6 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, तो कितना हो गया बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 2 के पावर 6 आया, तो 2 का घातांक कितना हो गया बच्चों 6, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 2 का घातांक कितना है 6। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है 34 नंबर, 18 और 72 का मौसा कितना होगा। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, मौसा, तो मौसा निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 18 का। उसे भी देख लीजिए ना, इसमें कि ऐसे संख्या लेना है जो कि दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट कॉमन हो दोनों का। ठीक है, हम लोग जानते हैं शॉर्टकट में करने के लिए, नहीं तो इसे बचपन का तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं। क्या बचपन के तरीका कहीं भूल नहीं जाना रे, है ना, बचपन का प्यार नहीं बचपन का तरीका, समझ में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से 18 और 72 का मौसम क्या हो जाएगा, 18 का 18, 18 चौका 72, और फिर ये तो इसमें लगा, इसमें नहीं, ये इसमें लगेगा तो छोटा है उससे, फिर भी ये हमको क्या हो जाएगा, ए ही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, ए ही आंसर हो जाएगा इसका। आप इसको मौसा निकालिएगा, 18 और 72 का क्या आएगा, ए ही आएगा, 18 ही आएगा। समझ में आ गया, आप लोग करके देखिएगा, बचपन के तरीका से भी कर सकते हैं। ठीक है, बचपन का तरीका भूल नहीं जाना है ना। तो आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, है ना, सह अभाज्य संख्या हमेशा मौसा एक होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या का मतलब हमेशा मौसा एक, याद रखना हमेशा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों, बहुत ये भी पूछा गया सवाल है, इसीलिए ध्यान रखना है कि सह अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होगा, एक होगा। अब इसका मौसा निकालेंगे, एक आएगा तो कहेंगे कि सह अभाज्य संख्या, इसका निकालें सब उसको निकाल के चेक कर लेंगे। अब देखिए इसका मौसा एक आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये देख लीजिए कि कॉमन है ना, 7 × 7, 5 × 5, 7 कॉमन है दोनों में, इसलिए इसका यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये है बच्चों सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इस दोनों का मौसा एक है, इसीलिए सह अभाज्य संख्या। देख लीजिए 18 और 25 का मौसा निकालिएगा तो ये हमेशा इसका मौसा एक ही आएगा बच्चों, तो इसलिए ये बी नंबर आंसर तो हो ही जाएगा। अब सी भी चेक कर सकते हैं, 13 13 चौका 52, ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉमन जो है 13 दोनों में ही है,
ठीक है, तो ये स्वाभाविक संख्या नहीं, मौसा एक नहीं आ रहा यहाँ पे, मौसा 2184 है ना, ये भी मौसा इसका भी यानी एक नहीं आएगा, इसीलिए ये सब आंसर नहीं होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भैया चलते हैं अगला क्वेश्चन के देखने के लिए। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या बच्चों, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है बच्ची। यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या, ध्यान में रखना है। यौगिक संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है हम लोग जानते हैं, वह एक से बड़ी वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए बच्चों। ये देखिए ये अभाज्य है ना, मतलब रूट संख्या है ना, भाज्य मतलब यौगिक और रूट मतलब अभाज्य संख्या, ये रूट संख्या है मतलब अभाज्य संख्या है। 21 देखिए, एक और 21 के अलावा ये 7 से भी कट रहा है, 7 या 21 3 7 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये यौगिक संख्या हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, यौगिक संख्या मतलब ये भाज्य संख्या, ये भी अभाज्य हो जाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि ये एक अपने आप से ही कटेगा, ये भी एक अपने आप से कटेगा, समझ में आ गया। अब चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, अभाज्य संख्या। अभी मैंने बताया कि अभाज्य संख्या और रूट संख्या एक ही होता है, रूट संख्या बोले तो हम लोग वही बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे अभाज्य संख्या। अब देखिए 33 एक और अपने आप के अलावा 3 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये भाज्य हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा मेरा, हमको क्या करें अभाज्य मतलब एक और अपने आप से ही कटना चाहिए, समझ आ रहा, अभी ये बताया हम थोड़ा देर पहले। ठीक है, अब 39 13 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसीलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये एक भाज्य संख्या होगा। 38 देखिए 19 × 38 19 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसीलिए ये भी एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब 31 देखिए 31 एक और अपने आप से ही कट रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या होगा, इसलिए डी नंबर आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या सीखना है, परिमेय संख्या होता है बच्चों जो पी वाई क्यू के रूप में रहे, ठीक है, रूट के अंदर में नहीं रहना चाहिए, वो परिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए 1 यहाँ पे चेक कर देते, तोड़ कर देखते हैं, एक का रूट एक ही होगा, अब बट्टे में 144 का 12 होगा बच्चों, ये टूट गया, इसका मतलब ये इसका परिमेय संख्या होगा, ये क्या है, परिमेय संख्या। वैसे ये सबको आप चेक कर सकते हो, ये 0 0 कट जाएगा, 5 से 5 1 5 0 या 5 1 50 1/10 आ रहा है, तो ये रूट नहीं टूटेगा 10 में, है ना, 10 रूट से नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, क्योंकि रूट 32 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये भी अपरिमेय है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी तो होगा ही नहीं। हम लोग जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय ही होता है, इसलिए परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या, योग क्या होगा, अपरिमेय संख्या, इसलिए मेरा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 39, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है बच्चों, यहाँ पे भी वही चेक करना, परिमेय संख्या, ठीक है, तो बच्चों पाई क्या है, परिमेय है बच्चों, ये परिमेय है नहीं बच्चों, ये अपरिमेय है बच्चों, है ना, कितना बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि पाई एक परिमेय संख्या, बच्चों पाई का मान कोई कहता है कि 22/7 होता है ना, तो ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पाई का मान 22/7 तो होता ही नहीं है, पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है, अगर कोई पूछे ना कि पाई का मान 22/7 होता है तो कहेंगे नहीं, पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पाई का जो मान होता है ना, ये 3.14 है ना, करके समथिंग जो जो आता है ना, है ना, तो 22 में भी आप अगर 7 से भाग दीजिएगा, 22 में भी अगर 22 में भी अगर 7 से भाग देंगे तो 3.14 आगे कुछ 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 अंकों तक मिलेगा बच्चों, कुछ अंकों तक मिलेगा, इसीलिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल जो है ना पाई के मान के जगह करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, न कि पाई का मान 22/7 होता है, हाँ इसके नियरेस्ट होता है, अगर कोई कहे पाई जो है पाई का लगभग मान होता है 22/7, ये कह सकते हैं पाई का है ना लगभग मान होता है 22/7, ये सही है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है, समझ में आ गया, इसीलिए 22/7 एक परिमेय होगा लेकिन पाई एक अपरिमेय होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, इसलिए पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक अपरिमेय है, क्योंकि रूट से बाहर होगा नहीं, ये क्या है, ये करके देखिए 16 का होगा 4 रूट और 25 का होगा 5, ये हो गया परिमेय, इसके लिए ये आंसर हो गया, है ना, ये परिमेय संख्या हो गया। अब ये करिएगा तो ये तो टूटेगा नहीं, रूट 3 निकलेगा नहीं, बार रूट 2 नहीं निकलेगा, कट भी नहीं सकता है, इसलिए डी भी नहीं होगा, इसलिए सी इसका आंसर सही हो जाएगा, समझ में आ गया। अब चलते ये है ना 8^0 × 2^0 का मान होगा, 25 का मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1, हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ के पावर में 0 रहे तो उसका मान 1 होता है ना,
ध्यान रखना है किसी भी चीज के पावर में है ना, कपार पे लड्डू रहेगा ना तो एक आंसर होगा, समझ में आ रहा है, कपार पे लड्डू रहेगा ना तो एक आंसर आएगा। कभी भी ध्यान रखना x का पावर जीरो उसका मान वन है ना, या कितना भी बड़ा 2022 के पावर में जीरो उसका मान एक, हमेशा ध्यान रखना है पावर में एक, एक आंसर एक हो, पावर सॉरी पावर में जीरो मान एक हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमेशा बच्चों एक, क्योंकि 8 का पावर जो एक आगुने 2 का पावर जीरो एक, तो एक गुने एक एक, तो ये भी नाम आंसर होगा इसका। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड में, ठीक है, थैंक यू सो मच।